यूके विच कोरोना वायरस की दूजी लहर ने एक बार फिर कहर मचा दिता है। इस नाल सरकार नूं हत्था पैरां दी पै गई है। यूके विच कोरोना प्रभावित मरीजों के नाल हस्पतालों में कोरोना के वध रहे मरीजों की गिनती कारण सरकार ने दूजी वारी राष्ट्रीय तालाबंदी का ऐलान किया है। भावें कि यूके का वड्डा हिस्सा पहला ही सरकार वालों बनाए गए तीजे पड़ाव दाखिल हो चुका है, पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अज देश को संबोधन करदे इंग्लैंड में 2 दिसंबर तक स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियां ते जरूरी समान वाली दुकानों छड़ के सारिया दुकाना अदारे बंद रखने के हुक्म दिते ने। रेस्टोरेंट पब जिम आदि बंद रहेंगे। लोगों को घरों में रहने लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी कैबिनेट के सीनियर नेतावान खजाना मंत्री ऋषि सुनाक माइकल गोव और सेहत मंत्री मैट हनकोक समेत कई होर मंत्रियों के साथ तालाबंदी बारे विचार किए, लेकिन आर्थिक तंगी नाल जूझ रहे बरतानिया लैके सरकार लिए फैसला लेना आसान नहीं सी। नवे नियम वीरवार तो लागू होंगे। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देशवासियों यूके मुताबक शामी 4 बजे संबोधन करने वाले सन, पर बाद में उन्होंने शामी 6:45 संबोधन किया और नवी नीतियों को जाणू करवाया। सरकार के सलाहकार ने कहा है कि कोरोना की दूजी लहर पहले नालों भी गंभीर हो सकती है। उन्होंने सरकार ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस कारण स्थिति काबू तो बाहर होंगी जा रही है। जे स्थिति पर काबू ना पाया गया तो इंग्लैंड के हस्पताल 17 दिसंबर तक कोरोना मरीजों के नाल भर सकते हैं। कुछ अध्ययनों का यह भी कहना है कि जे हालात इसी तरह रहे तो रोजाना कोरोना प्रभावित मरीजों की मौत की गिनती 4,000 तक पहुँच सकती है। यूके में बीते 24 घंटों में कोरोना प्रभावित 326 मरीजों की मौत हो गई है और 21,915 नवे पॉजिटिव मामले सामने आए सन। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ एकम टीवी।